कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। इस वाले की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, 6, तो 6 का स्क्वायर कर दो। इस वाले की कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या है, 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो। बात समझ आई। प्लस एरिया ट्राइंगल ये, इनका रेशो ये है। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए पी क्यू ट्राइंगल ये और ट्रिपीजियम। अब इसके अंदर क्या है, इन द फिगर ट्राइंगल ए बी सी, एक है ट्राइंगल बेटा कौन सा, ए बी सी, और दूसरा है ट्राइंगल डी बी सी। ये दो ट्राइंगल है, एक है ए बी सी और डी बी सी, मतलब ये वाला ट्राइंगल हो गया एक, और एक हो गया बेटे ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, आपको इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ये दोनों कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं बेटे, ओ के ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं। आपको प्रूव करना है एरिया ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल डी बी सी, ये दोनों जो एरिया हैं ये ए ओ अपॉन में डी ओ के बराबर हो। कहने का मतलब इस वाले का एरिया इसके एरिया इसके और इसके रेशो के बराबर होगा। किस तरीके से, कैसे, किस प्रकार, चलिए देखते हैं। ठीक है, आइए देखो भाई, ये आपको एक बेटे क्या दे रखा है, फिगर दे रखी है। फिगर देने का मतलब इससे आपने बहुत कुछ समझना है। एडी एंड बीसी इंटरसेक्ट एट ओ, ये बेटे ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप। ठीक है, आपको इनका एरिया बताना है, तो एरिया इसके लिए आप क्या करोगे बेटे, आपने यहां से क्या किया, ए एल परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी के ऊपर, और यहां से ये डी एम, ये भी परपेंडिकुलर बी सी के ऊपर। इतनी बात समझ आती, परपेंडिकुलर मतलब ये भी 90 डिग्री है और ये वाला भी 90 डिग्री। बात समझ गए, ठीक है। अब देखिए इस वाले ट्राइंगल को पकड़ लो, इस वाले को और इस वाले को, ये वाला एंगल 1-2 के बराबर है, 1-2 के बराबर, वर्टिकली अपोजिट हो गए ये दोनों एंगल, और ये 90 तो ये 90, तो डबल ए क्राइटेरिया से आप क्या कह सकते हैं कि ये वाला ट्राइंगल इसके क्या है, सिमिलर है। ठीक है, और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ए ओ अपॉन में डी ओ बाई ए ओ अपॉन में डी ओ, ये किसके बराबर होगा, ए एल, ए एल अपॉन में डी एम होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। जब दो ट्राइंगल सिमिलर तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं। बात समझ गए, ठीक है, क्लियर है। बस अगर इतनी बात क्लियर है तो अब जरा आगे देखिए, मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल रहा हूं, ट्राइंगल एरिया ट्राइंगल, इसे हटाओ, एरिया ट्राइंगल ए बी सी और नीचे एरिया ट्राइंगल सी बी डी। ए बी सी का क्या होगा, हाफ बेस, बेस सेम है, ले लो बेटा बी सी, हाइट कितनी है ए एल, ये लिख दीजिए। नीचे क्या होगा, हाफ बी सी और हाइट कितनी है बेटे, डी एम, डी एम। बात समझ गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, ए एल अपॉन डी एम आ गया, और ए एल अपॉन डी एम किसके बराबर है बेटे, ए ओ अपॉन डी ओ के, ए ओ अपॉन डी ओ। बात समझ गए, तो इनका रेशो किसके बराबर है, इसके बराबर, यही आपसे प्रूफ करवाया था। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। इज दिस क्लियर, ठीक है, बात समझ आ गई। इस तरीके से आपने सवाल चलाना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, ये है जी इसके बारे में, ये एक सवाल है, इसके तीन पार्ट है, तीनों को सॉल्व करेंगे। देखो भाई, एबीसीडी इज ए ट्रेपेज़ियम, एबीसीडी एक ट्रेपेज़ियम दे दिया, ये लीजिए बना लेते हैं, ये हो गया ए बी सी डी। ठीक है, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी बेटे सी डी के पैरेलल है, द डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ओ, इन दोनों को जोड़ दो, ये बेटे ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, प्रूव करना है, पहला ट्राइंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी। चलिए AOB कौन सा है, AOB ये वाला है और COD ये वाला है, ये दोनों ट्राइंगल आपने सिमिलर प्रूव कर रहे हैं, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए बेटे, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, तो एंगल 1 बेटे एंगल 2 के बराबर हो गया, एंगल 3 आपका एंगल 4, डबल ए क्राइटेरिया से बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये दोनों क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। एक और एंगल है, इसे भी आप ले सकते हैं, तो ट्रिपल ए हो गया, तो ट्रिपल ए से दोनों ट्राइंगल सिमिलर, ये दोनों एंगल कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, बात समझ गए, क्लियर है। अब देखिए OA दे रखा है 6, OA ये आपको 6 दे रखा है, ठीक है, और OC दे रखा है 8, OC बेटे आपको 8 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड एरिया ट्राइंगल AOB, एरिया ट्राइंगल AOB सेकंड पार्ट अपॉन में एरिया ट्राइंगल COD, इनका रेशो बताना है। AOB कौन सा है, AOB ये वाला ट्राइंगल,
ठीक है, इसका एरिया और सी ओ डी, सी ओ डी इनका, तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। इस वाले की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, सिक्स, तो सिक्स का स्क्वायर कर दो। इस वाले की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, एट, तो एट का स्क्वायर कर दो। बात समझ आई? तो कहने का मतलब अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो 36/64 आता है, 4, 9, 4, 1, ठीक है, 5, 6, 9/16 इनका रेशो आता है बेटे 9/60। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है जी, क्लियर है, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखिए एरिया ट्राइंगल एओडी, इसे हटा देते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला जा रहा है, देखिए अगले में पूछा एरिया ट्राइंगल एओडी, एओडी अपॉन में एरिया ट्राइंगल सीओडी। एओडी कौन सा है, एओडी ये वाला है, ठीक है, ये वाला और सीओडी ये वाला, इन दोनों का आपसे क्या पूछा गया, एरिया पूछा। बात समझ गए, ठीक है। तो क्या करें, एक काम करते हैं, यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक बार फिर से बता देता हूं, कॉपी ओवर राइटिंग हो गया ना, चलिए ए बी सी डी ये हो गया, ये हो गया, ओ ये एओ कितना दे रखा है आपको, सिक्स है, ये वाला एट है, ठीक है। अब देखिए एओडी और सीओडी इनका रेशो बताना है, एओ डी ये वाला हो गया और सीओ डी ये वाला हो गया। बात समझ गए, ठीक है, इन दोनों का एरिया आपने, इनका रेशो बताना है, ठीक है, इसका ही रेशो आपसे पूछा गया है। किस तरीके से, देखिए अगर हम यहां से इसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर डालते हैं तो ऐसे बढ़ा लो इसको, परपेंडिकुलर बेटे ये हो जाएगा। अगर मैं इस वाली लाइन को एक्सटेंड करूं, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, इसको मैंने ये एम हो गया। तो अब जरा देखिए इस वाले ट्राइंगल का एरिया जो होगा, एरिया ट्राइंगल ए ओ डी ये किसके बराबर होगा, हाफ, बेस कितना हो गया एओ और हाइट कितनी होगी डी एम। बात समझ आई, ठीक है, क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाला बेस लेता हूं तो एरिया ट्राइंगल सी ओ डी ये किसके बराबर हुआ, हाफ, बेस कितना है ओ सी और हाइट कितनी है बेटे डी एम। बात समझ आई, ये कुछ इस तरीके से बेटे, अगर ऑप्टिस ट्राइंगल होता है तो हाइट बेटे बाहर होती है ये वाली, ए बी सी अगर ऑप्टिस है तो ए डी इज द हाइट, ठीक। बात समझ गए, ये बेटे हाइट, ठीक है, क्लियर। एक मिनट, क्लियर है, ठीक है। तो अब आप इसे देखिए, ये दोनों एओ सॉरी डीएम, डीएम कैंसिल, हाफ है आप कैंसिल, एओ बच गया और ओसी बच गया, क्या बच गया एओ और ओसी, और इनका रेशो क्या है, एओ का है बेटे आपका सिक्स, ये हो गया सिक्स और नीचे हो गया एक, 2, 3, 2, 4, कहने का मतलब 3/4 ये रेशो आएगा। बात समझे, ठीक है, इस तरीके से सवाल चलाइए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एट सवाल क्या कह रहे हैं जी, चलिए आइए, देखिए क्या बोला जा रहा है। एक ट्राइंगल है एबीसी, ये लीजिए एबीसी, हमने एक ट्राइंगल बना लिया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। पी डिवाइड्स द साइड ए बी सच दैट एपी रेशो पी बी, पी ए बी को डिवाइड करता है, पी डिवाइड्स द साइड ए बी सच दैट एपी, एपी कितना है ये और पी बी कितना है ये, तो 1/2 रेशो। Q is a point in AC, AC के ऊपर Q एक पॉइंट है, ठीक है, such that PQ, PQ is parallel to BC, बेटा PQ BC के पैरेलल है, मतलब ये भी 1/2 हो गया by BPT, यहीं पर नोट डाउन करते, ठीक। Find the ratio of area of triangle APQ, APQ का ट्राइंगल कौन सा है ये वाला, ठीक है, एंड ट्रेपेजियम BPQC, BPQC इस वाले ट्रेपेजियम का एरिया, इन दोनों का रेशो बताना, बहुत सरल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। देखो बेटे इस तरीके से समझिए सवाल को, कि ये वाली लाइन बेटे इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर, ये वाला इसके, डबल ए क्राइटेरिया से आप क्या कह सकते हैं कि ए पी क्यू
ए पी क्यू जो ट्राइंगल है ये सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए बी सी के, ए पी क्यू बड़े वाले के सिमिलर हो गया। अगर ये वन है तो ये पूरा बेटे आपका थ्री हो जाएगा, सिमिलरली इधर भी थ्री हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर मैं इन दोनों का अब रेशियो ले लूं, क्या एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन में एरिया ट्राइंगल ए बी सी ले लूं, तो ये बेटे वन अपॉन थ्री इसका स्क्वायर होगा, कहने का मतलब एक बटा नौ होगा। बोलो बात समझ आई, ठीक है। इसका मैं रिवर्स कर दूं, इसका अगर मैं रिवर्स करूं तो एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू, ये क्या हो गया नाइन आ गया। बात समझ आई इतनी, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी सी को एरिया इसका प्लस इसका एरिया, कहने का मतलब एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू प्लस में ट्रिपीजियम का एरिया, एरिया ट्रिपीजियम पी क्यू सी बी, पी क्यू सी बी ये कहा जा सकता है, और नीचे एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू कहा जा सकता है, और ये बेटा किसके बराबर है नाइन के। ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। अब देख, अब एक छोटी सी बात है बेटे, इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं दोनों के साथ, तो ये इसके साथ जाएगा तो वन आया, प्लस में ट्रिपीजियम आया पी क्यू सी बी आया, और नीचे एरिया ट्राइंगल ए पी क्यू आया, और ये नौ के बराबर। बात समझे, मैंने क्या किया, मैंने बस इतना सा किया, ध्यान से देखना, इस बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया को मैंने इसके और इसके एरिया के बराबर कर दिया, ठीक है, सम के बराबर, क्लियर है। तो ये आ गया हमारा, इसको उस तरफ ले जाओ तो ट्रिपीजियन पी क्यू सी बी और ए पी क्यू इनका जो एरिया है ये 8 के बराबर हो गया, 1 इधर जाएगा, 9 माइनस 1 8 हो। तो कहने का मतलब इन दोनों का जो रेशियो है एरिया ट्रिपीजियम, ट्रिपीजियम ये प्लस एरिया ट्राइंगल ये, इनका रेशियो ये है। अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए पी क्यू ट्राइंगल ये और ट्रिपीजियम पी बी सी क्यू, और इसका आता है 1 अपॉन 8। तो चाहे आपसे ये रेशो पूछा जाए चाहिए, दोनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप बता देंगे। इज दिस क्लियर, ठीक है, बात समझ आ गई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके के सवाल बेटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेपर में आते हैं, तोते उड़ जाते हैं, है कि नहीं। तो तोते नहीं उड़ाने हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, समझना है और सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये है जी सवाल, क्या बोला जा रहा है। AD is a altitude of an equilateral triangle ABC. एक बेटा equilateral triangle बनाया और ये है बेटा A, ये है B, ये है C, ठीक है। AD altitude है, AD इसका altitude है, मतलब ये 90 degree है। कहने का मतलब AD perpendicular है BC के ऊपर, ठीक है। On AD as base, AD को हमने base लिया, another equilateral triangle AD is constructed. ये हमने ADE, ये हमने बनाया, इसको बेस लेके, इस वाली साइड को बेस लेके, प्रूव दैट एरिया ट्राइंगल एडीई, एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन में एरिया ट्राइंगल एबीसी, ये होगा 3/4, ठीक है। ये आपने बताना है, पूछा क्या सवाल है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे भाई, एडीई कौन सा है, ये वाला एडीई, ये वाला है, और एबीसी ये वाला है, इन दोनों का रेशो आपने बताना है। बहुत अच्छी बात, दोनों ही ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल। एक चीज तो दिमाग में बैठा लो, जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो इक्विलेटरल जितने भी होंगे वो बेटा सिमिलर होंगे। बात समझ गए, क्योंकि तीनों एंगल कितने हैं 60, ठीक है। चलिए, तो ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर है। अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल का, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये साइड एक्स है, तो इसका एरिया होता है रूट थ्री बाई फोर एक्स स्क्वायर, और ये ऑल्टीट्यूड होता है बेटे रूट थ्री बाई टू एक्स। बात समझे, ये दोनों चीजें नोट डाउन कर लेना तभी ये सवाल हो पाए, ठीक। अब देखो क्या देखना है, देखना बस इतना सा है बेटा, ये वाली साइड मैंने x ली, ठीक है। तो इस वाले का एरिया ट्राइंगल ABC क्या हो गया, रूट थ्री बाई फोर एक्स का स्क्वायर हो गया ABC, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ये ऑल्टीट्यूड कितना हो गया बेटे, ऑल्टीट्यूड हो गया बेटे रूट थ्री बाई टू एक्स। कहने का मतलब ये भी और ये भी, कहने का मतलब अब ये तीनों साइड किसके बराबर हैं, तीनों की मेजरमेंट ये है। तो एरिया ट्राइंगल एडीई, एरिया ट्राइंगल एडीई कितना हो गया, एडीई ये हो गया बेटे रूट थ्री बाई फोर, साइड कितनी है रूट थ्री बाई टू, रूट थ्री बाई टू एक्स इसका स्क्वायर। बात समझ गए, ठीक है। ये हमें इन चीज इसकी समझने की, ये वाला पार्ट इसको ध्यान से समझना है, ये बात समझ आ गई। अब इन दोनों का रेशो चाहिए,
तुरंत निकालते हैं, देखिए इसको सॉल्व कर लो, तो रूट थ्री बाई फोर ये हो गया बेटे 3/4 इसका एक्स स्क्वायर हो गया। कहने का मतलब 3√3 16 एक्स स्क्वायर। इन दोनों का रेशो निकालूं तो √3/4 x² / 16/ 3√3 x² हो गया। इससे कैंसिल हो गया बेटे, ये 4 हो गया, √3 से √3 तो 4/3 इसका। यही हमसे प्रूव करवाया था, 4/3 किसका हुआ, एबीसी एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन में एरिया ट्राइंगल एडीई, ये रेशो कितना हुआ 4/3। अगर आपसे ये पूछा जाता है तो इसका आप उल्टा कर देना तो ये आ जाएगा आपका 3/4। बात समझ आई? तो सवाल चलाने कैसे हैं बात समझ गए होंगे, इसी तरीके से चलाइए और बेहतरीन तरीके से रिजल्ट लेके आए, कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। दिक्कत है कमेंट करिए, ठीक है, लाइव आके पढ़िए। थैंक यू।